सतनाम सत्साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम। गुरु प्रेमियों, आज हम बात करेंगे शरीर, इंद्रिया और मन पर। हमारा जो शरीर बना हुआ है, बताया जाता है कि पांच तत्वों से मिलकर के इस शरीर की उत्पत्ति हुई है। लेकिन पांच तत्व तो सभी बताते हैं, और भी अनेकों वस्तुओं से मिलकर के इस शरीर की उत्पत्ति हुई है। कहा है पांच तत्व, जैसे बताया है जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांच तत्व बताए गए हैं। लेकिन इन्हीं के पांच तत्व और भी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तत्व पक्के भी हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इस हमारे शरीर के अंदर ये चार शरीर विराजमान होते हैं इस स्थूल शरीर के अंदर। तो गुरु प्रेमियों, हमें ये जानना है कि अगर हम मन पर विजय प्राप्ति कैसे करेंगे, मन पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे, पहले हमें इंद्रियों को वश में करना होगा। कहा इंद्रिय जीत सो ही ब्रह्म ज्ञानी। अगर हम अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं बरतते, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम मन पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर में जो इंद्रिया है, बताया है कि जैसे ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रियों से हमें चलना है, उसको परखना है कि कहीं हमारी इंद्रिया, ये हमारा शरीर, ये गलत जगह तो नहीं जा रहा। तो जैसे बताया गुरु प्रेमियों, ज्ञान इंद्रिय, पहले बताया कान, कान जो होता है एक शब्द सुनता है, कान। दूसरा है त्वचा, ये स्पर्श। अगर जैसे हवा चलती है, ठंडी गर्मी, इसको ये त्वचा महसूस करता है। नेत्र, नेत्र अच्छाई और बुराइयों को देखता है। चौथी है जिभ्या, जो गर्म, ठंडा, खट्टा, मीठा, इनको अनुभव करके इस जीव को महसूस कराती है, इस शरीर को महसूस कराती है गुरु प्रेमियों। पांचवी इंद्री बताई है नाक, जो सुगंध लेती है, अच्छी सुगंधी, बुरी सुगंधी, खुशबू, गंदा सुगंध, तो ये सब निरख परख करके इस जीव को दर्शाती रहती है। और जो कर्म इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया जो बताया है गुरु प्रेमियों, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर और जन इंद्रिया यानी कि गुदा, ये कर्म करती है गुरु प्रेमियों, ये कर्म करती है। इनको हमें ये परखना है, ये जो कर्म कर रही है, जैसे स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, ये क्यों बन जाते हैं,
ये हमारे शरीर में मौजूद नहीं रहते, इनको हम खुद बनाते हैं कल्पनाओं से। जैसे जैसे हम इनको बनाते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं अपनी कल्पनाओं से कर्म, वैसे ये अलग अलग शरीर हमारे शरीर में तीन शरीर और होते हैं, सूक्ष्म कारण महाकारण। मन नासिक जो ज्ञान इंद्रिया है और कर्म इंद्रिया, दोनों को ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया दोनों ही जो अपने अपने विषयों में भरपूर होती है, ये केवल मन के अधीन होने से ही इस जो ये चेतन है हमारे शरीर के अंदर, इसको इसका ये मिलन कभी नहीं होने देती जीव और चेतन का। जब सूरत क्योंकि हम इंद्रियों के वश में आ जाते हैं और इंद्रियों का स्वाद लेता है ये चीज, जब ये इंद्रियों का स्वाद लेता है तो ये यहीं पे फंस के रह जाता है, ये गुरु के देश में नहीं जाता। गुरु के देश में तब जाएगा, तब हमें ये देखना है, जैसे हमारा शब्द है ज्ञान इंद्रिय कान, जो हमारा कान है, तो हमें इसको जो है हमें उस मालिक की धुन, अनहद धुन, अनहद जिसको बोलते हैं, वो अनहद आपको कैसे प्राप्त होगी? वो अनहद तब आपको प्राप्त होगी तब आप भजन में समाधि में चले जाओगे, तब आपको वो अनहद धुन प्राप्त होगी, वो अनहद सुनेगा। और जब वो अनहद आपको सुनेगा तब आपको ये संसारिक की जितनी आवाज है सब फीकी हो जाएगी उसके सामने। तो इसीलिए गुरु प्रेमियों, कानों का विषय है शब्द, जब शब्द हम सुन, हमें तो हमें गुरु का शब्द सुनना है, संसारिक शब्द नहीं सुनना। त्वचा का विषय है स्पर्श, इस स्पर्श जो है हमें ठंडी गर्मी हर तरीके से सहन करना चाहिए। बहुत से व्यक्तियों पे सर्दी सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, ज्यादा हवा सहन नहीं होती। तो इसीलिए हमें जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हमें सब ये सहन करने की शक्ति ऑटोमेटिक मिलती रहती है। नेत्र का विषय है रूप यानी दर्शन, किसी को किसी चीज को भी देखना। हमें अगर देखना है तो अपने सतगुरु के स्वरूप को देखना चाहिए, अपने महापुरुषों के स्वरूप को देखना चाहिए, अपने माँ बाप की सूरत को देखना चाहिए, भाई बंधु को देखना चाहिए। यानी जो हमें जमाती है, जो हमें जम जाती है ये सूरत, हमें वहाँ इस सूरत को नहीं लगानी चाहिए, वहाँ नहीं जमानी चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने महापुरुषों के स्वरूप में अपना ध्यान रखना चाहिए। जिभ्या, जिभ्या क्या होती है? रस, रस लेती है जगह जगह का पान, जिस तरीके से भंवरा अलग अलग रस लेकर के, अलग अलग फूल का रस लेकर के, कलियों का रस लेकर के, और वो एक दिन उसी रस में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जगह जगह का स्वार्थी बन जाता है। ऐसे ये जिभ्या जो जगह जगह का रस लेकर के इसकी आदत खराब हो जाती है। जैसा आप इसको दोगे वो ऐसा ही लेगी। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें तामसिक भोजन से बचना है और स्वादिष्ट भोजन हमें करना है। हमें जो है शाकाहारी जो भोजन है उसको हमें ग्रहण करना है और तामसिक भोजन का हमें त्याग करना है, क्योंकि हमारी जो अंदर की जो बॉडिया है, जो हमारे अंदर का जो सिस्टम है, वो भी यही कहता है कि अगर जितना तुम तामसिक भोजन का पदार्थ खाओगे, पदार्थ यूज करोगे, उसको ग्रहण करोगे, तो इतना ही वो अंदर का ठप हो जाता है। और जैसे ही आप शाकाहारी भोजन ग्रहण करोगे उतना ही वो प्रबल और बलवान रहेगा, ताकतवर रहेगा। तो इसीलिए हमें अब आता है जो सबसे ज्यादा
इसको भटकाता है। वाणी जो होता है, जैसे हम वाणी बोलते हैं, वाणी का जो विषय है, जो बात होती है वाणी में ही जीव फंसता है। क्योंकि कहा वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। क्योंकि वाणी इस मनुष्य की बहुत प्रभाव डालती है। वाणी से लोगों को अपना किया जाता है और वाणी से ही लोगों को दूर किया जाता है। तो हमें वाणी सतगुरु के प्रति और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हाथ हैं हमारे, ग्रहण करते हैं, कोई भी वस्तु ग्रहण कर लेते हैं, वजन उठाते हैं, काम करते हैं, कोई भी करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, ये जो है हाथ एक कर्म इंद्रिया है, तो ये कर्म करती है। पांव है, वो भी चलते फिरते हैं, ये भी कर्म कर इंद्रिया है। विषय आनंद, आनंद में ही जो है इससे हमें सचेत रहना है। और सचेत ये रहना है, अगर हमें परम पिता को सतगुरु को प्राप्त करना है तो हमें संयम बरतना होगा। और जब हम संयम बरतेंगे तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिना संयम के हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्रोध है, क्रोध एक मन का स्वभाव है। हमें यह भी जानना है, जब हमें क्रोध आता है तो ये समझो कि हम अपनी मति से, हम सतगुरु के मति से नहीं चल रहे, हम मन के मति से चल रहे हैं, मन के शासन में आ गए हैं गुरु प्रेम। तो हमें ये परखना है। शोक, शोक जो है ये भी हमें ध्यान करना है। जो महापुरुष होते हैं उन्हें मोह और शोक से वो बहुत परे होते हैं। इन चीजों में, शोक और मोह में संसारिक प्राणी रहता है, क्योंकि वो अपनी बेल बो लेता है, जड़ मजबूत कर लेता है, इसीलिए उसको वही आनंद, उन्हीं में ही आनंद आता है और वो इनसे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अगर मुक्त होगा तो उसे सतगुरु का सुमरण और ध्यान करना होगा। कठिन परिश्रम के बाद वो इन चीजों से मुक्त हो सकता है। आलस्य व्यक्ति निठल्ला होता है, वो अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को आलस्य आ जाता है, चाहे संसारिक में हो या वो सुमरण करने वाला हो, अगर उसने आलस्य का त्याग नहीं किया तो वो सुमरण भी नहीं कर पाएगा। सुमरण में ध्यान लगाता है, बैठ जाता है, आलस्य आ जाता है, पीछे को लौट जाता है, क्योंकि भोजन ही इतना खाता है कि उसे आलस्य ही आ जाता है। उसकी दसों इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, उसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं वे बंद हो जाते, क्योंकि इतना खाता है, उन्हें भी जो है होश नहीं लेने देता। तो इसीलिए इसे इतना आलस्य आ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने बताया है कि भोजन सीमित खाइए और जागते रहना चाहिए। इसलिए तो कहा कि सो मणियां उठ जाग रे, तेरी पल पल उम्र घटे है। पल पल उम्र इसीलिए घट जाती है गुरु प्रेमियों, अगर ये सोता ही रहा, इसे आलस्य आ गया तो इसकी उम्र घटती रहेगी। तो इसीलिए आलस्य को त्यागना चाहिए। ओम सुमरण में जो है अपना ध्यान अधिक देना चाहिए। जिसने सुमरण कर लिया, जिसने सुमरण में गुरु को सुमर लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। जिसने भी सुमरण किया है इस संसार में, इस माया पे राज उसी ने किया है जिसने सुमरण किया है गुरु प्रेमियों। और जो सुमरण ही नहीं कर पाएगा तो माया उस पे खुद राज करती है, वो माया का अधीन हो जाता है। और जो सुमरण करता है तो माया उसकी हजूर रहती है। तो गुरु प्रेमियों, हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए, चाहे संसारिक आलस्य हो या आध्यात्मिक में सुमरण करने का आलस्य हो, उसको हमें त्याग करके चेतन अवस्था में हमें अपनी दिनचर्या को बितानी है। जो हमारी चेतन अवस्था रहेगी तो हमारा कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, चाहे संसार का हो या आध्यात्मिक का हो, अंदर का हो। तो गुरु प्रेमियों, तृष्णा, तृष्णा हमें
किसी से भी नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार करनी चाहिए। तो हमें शत्रु, जो हमारे शत्रु है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये हमारे शत्रु है, इनसे हमें तिरस्कार करनी चाहिए, इन्हें हमें अपने नजदीक नहीं लगना चाहिए, इन्हें फटकार लगानी चाहिए, इन्हें दूर रखना चाहिए। तो इनसे हमें तृष्णा करनी चाहिए। जो मनुष्य है, जो मानव है, ये तो एक सतगुरु का बंदा है, इनसे हमें क्यों तृष्णा करनी चाहिए? अरे हर जगह सतगुरु मौजूद है, घट घट में गुरु का वास है। तो सभी, तो सबके अंदर उस मालिक का वास है, सतगुरु के बंदे हैं सभी। तो हमें इनसे तृष्णा नहीं करनी चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए और अपने सतगुरु में ध्यान लगाना चाहिए। तो गुरु प्रेमियों, हमें यही अस्थिया अस्थिया और सांस बताया है गुरु प्रेमियों। अगर अस्थिया के अंदर यानी हड्डिया के अंदर हमारा सांस रमा हुआ है गुरु प्रेमी, त्वचे के अंदर हमारा सांस रमा हुआ है गुरु प्रेमियों, नाड़ी के अंदर हमारा सांस है, रोम रोम में ये सांस निवास करता है गुरु प्रेमियों। अगर हमें देखना है, अगर हमें जानना है, हमें सतगुरु को पाना है, हमें अपने गुरु के दीदार करने हैं, तो पहले हमें सांस को देखना होगा। सांस को हमें देखना होगा कि सांस कहां कहां रहता है, कैसे कैसे विचरण करता है शरीर के अंदर। और जब हम सांस को हम देख लेंगे, तब ये सांस ही हमें सतगुरु से मिलाएगा गुरु प्रेम में। क्योंकि एक सांस ही एक ऐसा है विधेय जो किसी के बस में नहीं आया गुरु प्रेम में। ये सब को छोड़ करके चला जाता है, राजा हो या रंग, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महाज्ञानी ऋषि मुनि, ये सब को छोड़ के चला जाता है। यही अमर है गुरु प्रेमियों, यही अजर है। इसीलिए अगर हमें सतगुरु से मिलना है, तो हमें सांस से प्रेम करना होगा, सांस को देखना होगा, त्वचा। तो इनमें सब में रमा हुआ है गुरु प्रेमियों। तो ये कैसे दिखेगा? जब हम ध्यान करेंगे, सुमरण करेंगे, तब हमें इसका पता चलेगा कि हाँ, ये सांस हमारे अंदर चल रहा है। गुरु प्रेमियों, हमारे अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, क्या कभी हमने ये देखा है कि अंदर भी चल रहा, हमारी धड़कन चल रही है, हमारा दिल, कभी तुम्हें आवाज आई है दिल की, या तुम्हें किडनी की आवाज आई है, गुर्दों की आवाज आई है, लीवर की आवाज आती है, कभी सुनने का प्रयास नहीं किया गुरु प्रेमियों? उनमें सब में सांस ही तो चला रहा है, वो मालिक ही तो चला रहा है गुरु प्रेमियों। इनकी आवाज तब आती है जब आप सुन में चले जाते हो, ध्यान अवस्था में चले जाते हो, समाधि अवस्था में चले जाते हो, तब इनकी आवाज आप लोगों को सुनेगी। और अगर आप सुनना चाहते हो तो सुमरण से सुन सकते हो, नहीं तो आपको ये आवाज, ये संसारिक आवाज ही सुनते रहती है, क्योंकि हमारी इंद्रियों को आदत पड़गी गुरु प्रेमी। इस संसार की आवाज सुनने की इन इंद्रियों को आदत पड़ गई है। तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि भाई मेरा तो आज हलवे को जी कर रहा है, क्योंकि उसको जी उसका वहां चला गया, आज मुझे चाट पकौड़ी का जी कर रहा है, मेरे पे चाय के बिना नहीं रहा जाता, बीड़ी के बिना नहीं रहा जाता, दारू के बिना नहीं रहा जाता, नशे के बिना नहीं रहा जाता, और अच्छे खाने पदार्थ के बिना रहा नहीं रहा जाता। तो इसीलिए गुरु प्रेमियों, ये जो इंद्रिया है, ये इनको आदत तुमने डाली है गुरु प्रेमियों, तो वो वही सुनेगी जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि हम अंदर की आवाज सुने, तो बाहर की आवाज के ताला लगाना होगा गुरु प्रेमियों। और ताला तभी लग सकता है तब आप सुमरण अवस्था में रहोगे गुरु प्रेमियों। सतगुरु में मिलना है गुरु प्रेमियों, तो हमें इनका पालन जरूर करना होगा। अपना शरीर, इंद्रिया और मन
को निरख परख करके कदम उठाना है गुरु प्रेमियों, जब ही हम हमें और आपको सफलता मिल सकती है। बोलो साधो सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु सबला।